आज मैं आपके साथ अपने टेरेस पे गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपने टेरेस पे बहुत सारे फूलों के पौधे, फलों के पौधे और सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। आज मैं विशेष रूप से लेमन ट्री के बारे में बात करूँगा, उसकी ग्राफ्टिंग के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने छत पे जो जो फल फूल और सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं उनके बारे में ज़रा सा बता दूँ। ये बोगनवेलिया है, इस पे मैंने चार तरह के फूल के पौधे की ग्राफ्टिंग कर रखी है। इसमें चार तरह के फूल आते हैं, विशेष तो ये गर्मियों में आते हैं, लेकिन अभी भी हल्का फुल्का इनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये बोगनवेलिया है, इसमें भी मैंने चार तरह के फूलों की ग्राफ्टिंग किया है। ये रिसेंटली मैंने ये एक ग्राफ्टिंग किया है दोस्तों, अलग कलर का, ये एक अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। इसमें दो तरह के फ्लावरिंग अभी हो रहे हैं। ये देखिए, एक ये वाइट कलर का है और ये एक ऑरेंज कलर का है। अभी इनमें चार तरह के फ्लावरिंग। तीस साल पुराना मेरा बोनसाई है बरगद का, और ये एप्पल बेर है। ये एकदम एप्पल की तरह होगा, प्रत्येक फल का वज़न कम से कम 70 से 80 ग्राम के करीब होगा। इनमें देखिए भरपूर फ्रूटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इनमें लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों। लेकिन आज जो है तो मैं विशेष रूप से लेमन ट्री के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये शरीफा का पौधा है, ये लाल अमरूद का पौधा है, ये सब मैंने गमले में लगा रखा है। और ये देखिए मेरा मौसमी का पौधा है, और ये देखिए मेरा लेमन का पौधा है, नींबू का पौधा, जिनमें कितने फ्रूटिंग हुई है। ये सब देखिए, ये मेरा ग्रीन एप्पल बेर है, प्रत्येक बेर का वज़न 80 ग्राम प्रत्येक बेर का वज़न होता है। ये भी गमले में लगा रखा है। ये देखिए, इनमें भरपूर फ्रूटिंग हुई है दोस्तों। और ये मेरा चीकू का पौधा है, इनमें चीकू भी लगा हुआ है। ये देखिए चीकू, इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूट भी लगा हुआ है। ये देखिए, फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट भी लगा हुआ है। और ये मेरा अनार का पौधा है, जिनमें भी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। ये मैंने ग्राफ्टिंग करके, खुद से ग्राफ्टिंग करके लगाया है, और इसमें इतने फल आए हुए हैं दोस्तों कि कहना नहीं है। पूरा भरा हुआ है, फल से पूरा भरा हुआ है। छोटे छोटे फल हैं, बड़े बड़े फल हैं। और मेरी तरह आप भी नींबू के पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, 20 से पौधे तैयार करके उनमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या ऐसे पौधे जो फल नहीं दे रहे हैं, जिनमें फल नहीं लग रहे हैं, उनमें भी आप ग्राफ्टिंग की मदद से आप पौधे को तैयार कर सकते हैं और ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे फल लगे हुए हैं। मैं इसकी ग्राफ्टिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। मैं
कैसे ग्राफ्टिंग किया जाता है, कैसे पुराने पेड़ में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और कैसे बीज से तैयार फलों में पेड़ों में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और अगर ग्राफ्टिंग की मदद से अगर ग्राफ्टिंग आप पौधे में करते हैं तो छोटे पौधे में ही बहुत सारे फल आएंगे। देखिए दोस्तों कितने सारे फल लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, एक लेमन ट्री में कैसे ग्राफ्टिंग करके आप ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं एप्पल बेर के बारे में बताऊंगा, रेड एप्पल बेर के बारे में बताऊंगा, चीकू के बारे में बताऊंगा, अमरूद के बारे में बताऊंगा, आम के बारे में बताऊंगा, शरीफा के बारे में बताऊंगा, सबका अलग से वीडियो डालूंगा और सबका ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। हमें चाहिए एक रोज कटर, एक शार्प नाइफ, एक सेलो टेप और एक पॉलीथीन बैग। और मदर प्लांट से ये मैंने डाल काट कर लाया है और ये मेरा बीज से तैयार किया हुआ लेमन का प्लांट है। इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ और उसके बाद ये जो मदर पर प्लांट से मैंने लिया है इसे भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब इसे इस तरह से हमें छीलना है, इस तरह से छीलना है दोनों तरफ से, इस तरह से। और इसके बाद इसमें वी शेप से कटिंग करना है, बीचों बीच इस तरह से काटना है, कम से कम 1 इंच तक। इसके बाद इसमें ये मदर प्लांट का जो कटिंग मैंने लाया था वो इसमें इस तरह से बैठा देना है, इस तरह से बैठा देना है दोस्तों। और उसके बाद सेलो टेप से इसे टाइट करके लपेट देना है ताकि इसमें एयर ना घुसे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। प्लास्टिक से बांध देने के बाद इसे हम पॉलीथीन बैग से ढक देंगे और धूप से बचाते हुए इसे छाया में रखेंगे और 15 से 20 दिनों में इसमें नए नए पत्ते आने लगेंगे और इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।